नमस्कार। आज अपने ज्योग्राफी की क्लास में जो पीछे अपनी क्लास चल रही थी उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा ये जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज की जो क्लास हो रही है बीए बीएड की, तो वो अपने बात करते हैं। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर की प्लस में बीए बीएड फर्स्ट ईयर की प्लस में एमए प्रीवियस की जियोमॉर्फोलॉजिकल जो पार्ट है उसकी क्लास हो रही है। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था ज्वालामुखी। तो कल हमने बात कर ली थी कि ज्वालामुखी कितने का अर्थ क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, लावा कितने प्रकार का होता है, ये हमने सभी बात कर ली थी। और ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं ये सब हमने पढ़ लिया। आज हम बात करते हैं नए सिरे से ज्वालामुखी के प्रकार। टाइप ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं, तो टाइप ऑफ वोल्केनो या ज्वालामुखी के प्रकार देखिए, ज्वालामुखी दो प्रकार की होती है। जो पहला हमारा प्रकार है ज्वालामुखी का, वो हमारा प्रकार है। ज्वालामुखी दो प्रकार की होती है। एक आती है आंतरिक ज्वालामुखी। और दूसरा जो हमारे इधर है वो है धरातलीय ज्वालामुखी। ठीक है, आंतरिक ज्वालामुखी और अपने धरातलीय ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के दो प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं आंतरिक ज्वालामुखी क्या होती है और धरातलीय ज्वालामुखी क्या होती है। देखिए, केवर क्या होता है, मैग्मा जब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दबाव के कारण या तापमान के कारण ऊपर आने की जो चेष्टा करता है, तो कई बार उसका जो पावर होती है उस पर वो निर्भर करता है कि उसकी पावर क्या है। तो देखिए, पावर जो होती है, अगर वो पावर अधिक होती है और वो पूरे धरातल को तोड़ के ज्वालामुखी का जो मैग्मा पदार्थ होता है वो बाहर आ जाता है, धरातल के ऊपर आ जाता है, प्रकट हो जाता है, तो वो होगी धरातलीय ज्वालामुखी। मैंने धरातल के ऊपर आने वाला जो ज्वालामुखी का प्रभाव है वो धरातलीय ज्वालामुखी होती है। और अगर बात करें, कई बार ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है वो इतना होता है, इतना असरदायक हो सकता है, हम कह सकते हैं कि कई बार मान लो मैग्मा यहाँ से ये चला, ये यहाँ से मैग्मा ऊपर आने की कोशिश की, ऊपर आ रहा था और ये भाग क्या था, ये मजबूत था, क्या था, मजबूत था। तो ये जब मजबूत था तो ये मैग्मा की जो पावर थी वो इतनी कम थी कि उसको मजबूत भाग को तोड़ नहीं सका। तो जहाँ तक मैग्मा उठा, जहाँ तक मैग्मा आया, वो वहाँ ऐसे जम जाता है, माने पृथ्वी के नीचे गहराई में, नीचे पृथ्वी के धरातल के नीचे निचले भागों में कुछ ज्वालामुखी पदार्थ होते हैं जो जम जाते हैं, उसे हम कहते हैं आंतरिक ज्वालामुखी। देखिए, अब आंतरिक ज्वालामुखी और बाहरी जो ज्वालामुखी है वो देखिए क्या होता है। आंतरिक जो ज्वालामुखी होती है, आंतरिक जो ज्वालामुखी होती है वो धरातल के नीचे मैग्मा, कई बार मैग्मा बाहर आते हैं प्रेशर कम होने के कारण, वो आते आते रास्ते में ही ठंडा होके एक चट्टान का रूप ले लेता है या एक आकृति बना के वहाँ पे जम जाता है, तो उसे अपने कहते हैं आंतरिक ज्वालामुखी। आपने बहुत बार नाम सुना होगा आंतरिक ज्वालामुखियों के, तो आंतरिक ज्वालामुखी में बनने वाली आकृतियाँ जैसे बैकोलिथ, फैकोलिथ, तीसरी है हमारी लैकोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ, इसके बाद में लैकोलिथ,
या इसको अपने कह सकते हैं लेपोलिथ भी कह सकते हैं, लेपोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ। इसके बाद आती है सिल सीट और सिक्स जो आकृति है वो हमारी डाइक। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी आकृति होगी। तो देखिए कई इसको क्या कर देते हैं, इस आकृति को नया रूप देते हैं, जैसे इसको इसको चार नंबर दे दिया, इसको पांच नंबर दे दिया, कई उसको सात ट्राई बता देते हैं, कई इसके छह प्रकार बता देते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के ठंडा होने से ज्वालामुखी कौन कौन सी होती है। तो बैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, लेकोलिथ, सिल, सीट, डाइक, ये जो प्रकार हैं वो क्या है, हमारे आंतरिक ज्वालामुखी के प्रकार हैं। अब हम इनको एक एक करके बात करते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसी आकृति बन जाए जैसे लगे कि बैठी हुई भैंस है, तो ये क्या बन गया, बैकोलिथ। पृथ्वी के आंतरिक भाग में गुबंदाकार जो आकृति होती है, गुबंदाकार, एक विस्तृत गुबंदाकार आकृति बनती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो वो क्या होती है, अपने बैकोलिथ होती है, बैकोलिथ। और बैकोलिथ आगे अगर वह आकृति ऐसे बन जाए तो ये हो गया फैकोलिथ, फैकोलिथ, फैकोलिथ। देखिए फैकोलिथ थोड़ी ऊपर होती है और बैकोलिथ गहराई में होती है, तो ये बैकोलिथ और फैकोलिथ हो गया। इसके बाद में अगर ये आकृति जो है ऐसे बन जाए दोनों ओर से किनारे वाली, दोबारा बना देते हैं, हम कह सकते हैं एक जैसे इसमें ये हो गया और इसमें ये हो गया, ठीक है, तस्त्रीनुमा, तो ये हो गया लेकोलिथ। और अगर ये आकृति ऐसे हो जाए, ठीक है, तो ये हो गया सिल। और अगर ये खड़ी आकृति बन जाए तो ये हो गया डाइक। और अगर ये आकृति इस आकृति की छोटी आकृति बन जाए तो ये हो गया सीट। तो ये हमारी माने आप है सारी की सारी क्या है, जमीन के अंदर ही है, धरातल के अंदर है। लेकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, ये सारी की सारी जो आकृति है वो क्या होती है, जमीन के अंदर बनती है। आगे हम बात करते हैं धरातलीय ज्वालामुखी, धरातलीय ज्वालामुखी। तो धरातलीय ज्वालामुखी में हम कह सकते हैं एक तो ज्वालामुखी आ सकती है धरातल पे, ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। दूसरी बात ज्वालामुखी प्रवाह, धरातलीय प्रवाह कह सकते हैं, धरातलीय प्रवाह। उसके बाद हम कह सकते हैं गर्म झरने या सोल्फ या गर्म झरने या गर्म जल के स्रोत, गर्म जल के स्रोत। और एक आता है गैसर। तो ये क्या है, हमारे धरातल के बाहर, ये धरातल है, इस धरातल के ऊपर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और इस भाग को तोड़ के ज्वालामुखी से बहुत बड़ा पदार्थ बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद ये पदार्थ यहाँ पे आके जम गया, तो वो क्या हो गया, ज्वालामुखी है। अगर वो ज्वालामुखी से निकला हुआ पदार्थ क्या है, लिक्विड है और ज़्यादा पतला होने के कारण दूर तक फैलता हुआ जा रहा है, तो ज्वालामुखी का क्या हो जाएगा, प्रवाह हो गया। फिर कई बार ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद उस छेद से, ज्वालामुखी तो शांत हो गई लेकिन उस छेद से गर्म हवा या गर्म जल के फुहारे बाहर आते रहते हैं, तो उसे कहते हैं गर्म जल के स्रोत।
ठीक है, गर्म जल के स्रोत, और सिर्फ अगर गर्म गैस निकले तो वो होगी गैसर। तो ये हमारी होगी ज्वालामुखी के प्रकार। आगे हम बात करते हैं ज्वालामुखी के अंग। ज्वालामुखी के अंग ज्वालामुखी के अंग देखिए, ज्वालामुखी के अंग सबसे पहले अपने बताते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और जहाँ द्रव पदार्थ है मैग्मा है, मैग्मा जहाँ पे इकट्ठा होता है इसे कहते हैं मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर जैसे अपने भंडार होता है किसी भी चीज़ का, उसे वहाँ पे मैग्मा का भंडार होता है तो इसे कहते हैं मैग्मा चैम्बर। अब देखिए, जहाँ से ये मैग्मा बाहर आता है तो ये किसी मार्ग से बाहर आता है, इसे कहते हैं ज्वालामुखी नली। जिस नली से, जिस रास्ते से मैग्मा बाहर आने की कोशिश करते हैं धरातल के ऊपर, इसे कहते हैं मैग्मा नली। और जहाँ पर आके ये विस्फोट होता है और धरातल को तोड़ देता है, इसे कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। अब क्या होगा देखो, अब इसमें से क्या निकलेगा, लावा निकलता है। इससे क्या निकले, इसमें सारा का सारा लावा है और धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऊपर आएगा लावा, तो ऐसे लावा आएगा। तो ये जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये हाइट में जाएगा, क्या करेगा, हाइट में जाएगा, तो ये ऊंचाई में जाएगा। ऊंचाई में जाएगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जितना ऊंचाई में जाने के बाद ये लावा नीचे की ओर आता है, ये लावा क्या आता है, नीचे की ओर आता है। तो ऐसे मानो इसमें से लावा निकलता रहता है और यहाँ ढलता रहता है, ऐसे में लावा निकलता रहता है और ढलता रहता है, इधर भी लावा निकलता रहता है और ढलता रहता है। तो इसमें क्या हो जाता है, अब देखिए यहाँ जो होगा वो गैप रहता है थोड़ा, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या बन गया, इसे कहते हैं ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु, और ये पूरी की पूरी क्या बन गई फिर, ज्वालामुखी नली। ज्वालामुखी नली बन गई और ये क्या बन गया, ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु, अब देखिए ज्वालामुखी जो हमारी नली है ये हमारा क्या बनेगा। अब देखो, अगर ये भाग छोटा है और ये बंद हो जाता है, ठीक है, ये बंद हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, बंद हो जाए, ये देखो ये भाग है और ये धीरे धीरे लावा से बंद हो गया और उसमें क्या हो गया, पानी भर जाता है, पानी आ जाए तो इसे कहते हैं क्रेटर। क्रेटर, और अगर इसका बहुत बड़ा भाग हो जाए, इसका आकार मैंने यहाँ पे आके इस आकार के बन जाए तो इसे कहते हैं कोल्डेरा। बड़े आकार को क्या कहते हैं, कालडेरा, ठीक है, कालडेरा। तो हमने अभी देखा है कि ज्वालामुखी के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, तो अंग बता दिया मैंने। सबसे पहले जहाँ से मैग्मा प्रारंभ होता है बाहर आने की कोशिश करता है तो उसे कहते हैं मैग्मा चैम्बर। फिर जिस मार्ग से होकर ज्वालामुखी का मैग्मा बाहर आता है तो उसे कहते हैं ज्वालामुखी नली। उसके बाद हम बात करते हैं जो एक शेप लेता है लावा ठंडे होने के बाद में एक आकृति बनती है त्रिभुजाकार, उसे कहते हैं ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु का कई बार मुंह बंद हो जाता है, बंद होने के बाद में क्या होता है, उसमें बरसात का जल भर जाता है, उसे कहते हैं, माने हम कह सकते हैं कि अस्थायी झील बन जाती है ज्वालामुखी क्षेत्रों में, तो उसे कहते हैं क्रेटर। कई बार अपरदन के द्वारा क्रेटर का बहुत बड़ा रूप हो जाता है, उसे कहते हैं कोल्डेरा। तो ये थे हमारे ज्वालामुखी के अंग। आगे हम बात करते हैं ज्वालामुखी उत्पन्न होने के कारण। देखिए, लिखिए यहां पे ज्वालामुखी उद्भेदन के प्रकार,
कि कितने प्रकार की ज्वालामुखी में विस्फोट होता है। तो देखिए हमारी जो ज्वालामुखी का जो उद्भेदन है उसके प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए ज्वालामुखी को दो भागों में रखा गया है, एक तो रखा गया है सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर, और दूसरा है उद्भेदन के आधार पर। सक्रियता माने इसको अपने सक्रियता को यह भी लिख सकते हैं तीव्रता के आधार पर, तीव्रता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर या तीव्रता के आधार पर। देखिए तीव्रता के आधार पर जो हम ज्वालामुखी के प्रकार कर रहे हैं वो देखिए तीव्रता के आधार पर जमीन से मैग्मा आने का जो टाइमिंग होती है या प्रेशर जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार की होती है, एक होती है तीन प्रकार की होती है सॉरी एक होती है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरी होती है परसुप्त, परसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरी जो होती है उसे कहते हैं मृत ज्वालामुखी। देखिए पहले मैं आपको बता दूं तीव्रता के आधार पर या सक्रियता के आधार पर एक्टिविटी होती है उसके आधार पर ज्वालामुखी को तीन भागों में बांटा गया है। पहले बात करते हैं सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, दूसरा करते हैं परसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरी होती है मर्त ज्वालामुखी। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी होती है कि वह भाग जहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी आती, अक्सर ज्वालामुखियाँ आती रहती है, अक्सर ज्वालामुखी संबंधी घटनाएं होती रहती है उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। हम ये नहीं कह सकते कि ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होगा, हमेशा वहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, कभी भी उसका कोई निश्चित टाइम नहीं है कि ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं होगा या होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जहाँ जिस स्थान पर ज्वालामुखी का के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जाए तो वो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे हम बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखियों का जो अलग से हम बनाएंगे भी सक्रिय ज्वालामुखी विश्व की कौन कौन सी है। परसुप्त ज्वालामुखी कौन सी होती है, परसुप्त ज्वालामुखी होती है कि ऐसी ज्वालामुखी जो एक बार आने के बाद में कई समय तक आती नहीं है लेकिन उसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, यह नहीं कि होगा नहीं। जिस प्रकार अपने बात करते हैं कि एक कुत्ता जो होता है सोया हुआ है और उसके सोने से हमें ये पता नहीं लगता कि ये हमारे पीछे आता है कि नहीं आता, लेकिन कई बार वो अचानक आ जाए तो उसका डर बना रहता है। तो परसुप्त ज्वालामुखी का है कि एक तो देखो सक्रिय इसका तो पता है कि ज्वालामुखी आएगी निश्चित आएगी, लेकिन परसुप्त ज्वालामुखी है कि सोई हुई ज्वालामुखी होती है और ये कभी भी उठ सकती है, कभी भी इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना सक्रिय जो ज्वालामुखी होती है वो अपने प्रभाव को बार बार ब्लास्ट करके कम करती रहती है, लेकिन परसुप्त जो ज्वालामुखियाँ होती है वो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि एक बार ज्वालामुखी आने के बाद कई सालों तक आती नहीं है और फिर उसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है और जब विस्फोट होता है तो एक पावर के साथ विस्फोट होता है, परसुप्त ज्वालामुखी है। मर्त ज्वालामुखी की बात करते हैं, मर्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी है कि वहाँ कभी कोई ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है लेकिन अब वहाँ कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं है, या एक बार ज्वालामुखी आई है दोबारा वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की ज्वालामुखी नहीं आई, तो उसके बारे में बात करते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि सक्रिय ज्वालामुखी के कौन से उदाहरण हैं और परसुप्त ज्वालामुखी के कौन से उदाहरण हैं और मृत ज्वालामुखी के कौन से उदाहरण हैं। देखिए अपने सक्रिय ज्वालामुखी है उसके उदाहरण बताए हैं, तो सक्रिय जो ज्वालामुखी है उसके उदाहरणों में देखिए सबसे पहले हवाई द्वीप का किलायु हवाई द्वीप है,
और हवाई द्वीप जो है अपने अटलांटिक महासागर में है। तो हवाई द्वीप का जो है किलायू व मोनोलोवा ज्वालामुखी का सक्रिय ज्वालामुखी के प्रकार हैं। पापुआ न्यू गिनी जो है उसमें लागीला और बागाना जो है बागाना वो अपने कह सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इंडोनेशिया में आपने सुना होगा सेमेरु और मेराई जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सिसली कई बार आपने नाम सुना होगा सिसली में माउंट एंटना जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। लेपारी द्वीप प्रसिद्ध है, लेपारी द्वीप में जो स्ट्रांबोली ज्वालामुखी है वो विश्व प्रसिद्ध है और इसे अपने कह सकते हैं कि ऐसी ज्वालामुखी है कि यहाँ पर रात्रि के समय ठीक है अपने कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है आदि रात्रि के समय, तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो अपने ये कहाँ पर है, स्ट्रांबोली में है, लेपारी के अंदर। इक्वेडोर की जो ज्वालामुखी है वो है कोटोपैक्सी। क्या है? कोटोपैक्सी अंडमान का एकमात्र भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, ज्वालामुखी का उदाहरण है या एग्जाम्पल है। तो हमने बात की अंडमान में बैरन द्वीप है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अर्जेंटीना में चिली सीमा के ऊपर है जिसमें है उस ज्वालामुखी का नाम है ओजस डेल सलाडो है। तो ये हमारी क्या है, हमारी सक्रिय ज्वालामुखी के प्रकार है। आगे हम बात कर रहे हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण देखते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरणों में देखिए हम बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, आगे लिखना हमको प्रसुप्त, देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी में उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी जो एक बार विस्फोट होने के बाद लंबे समय में विस्फोट नहीं होता, लेकिन उसका विस्फोट कभी भी हो सकता है, उसका कोई निश्चित पीरियड नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी का जो उदाहरण है वो इटली का विसुवियस ज्वालामुखी है। इटली का कौन सा है? विसुवियस ज्वालामुखी। तो इटली के अंदर प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है विसुवियस। जापान के अंदर जो उदाहरण है उसका नाम है फ्यूजीयामा। जापान का प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है फ्यूजीयामा। इसके बाद हम बात करते हैं इंडोनेशिया में जो प्रसुप्त ज्वालामुखी का जो उदाहरण है इसे कहते हैं क्राकोतोआ। क्या कहते हैं? क्राकोतोआ। तो इंडोनेशिया का हो गया। और उसी प्रकार अंडमान व निकोबार द्वीप के अंदर जो हमारा सक्रिय प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है इसे कहते हैं नारकोडम द्वीप है वो एक सक्रिय प्रसुप्त ज्वालामुखी का शोरी उदाहरण है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमने सक्रिय ज्वालामुखी कर ली, हमने प्रसुप्त ज्वालामुखी कर ली, उसके बाद हमारा जो तीसरी प्रकार था वो था हमारा शांत या मर्त ज्वालामुखी। तो शांत या मर्त जो ज्वालामुखी है इसके अंदर बात करते हैं, सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है ईरान का कोह सुल्तान। ईरान के अंदर बात करते हैं कोह सुल्तान मर्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं म्यांमार के अंदर पोपा जो है वो भी मर्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके बाद आता है तंजानिया का किलिमंजारो जो है वो एक मर्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। जो सबसे चर्चित और सबसे जो फेमस है वो है इक्वेडोर का चेम्बर जो है ये मर्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। और एंडीज जो पर्वत है उसके ऊपर जो है वो है एकांगागुआ, वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ऊंचा जो है वो मर्त ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है, एकांगागुआ। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे ज्वालामुखी के प्रकार हो गए। आगे हम बात करते हैं, ये तो हमारे सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार थे। अब हम बात करते हैं उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी जो हमारी है वो दो टाइप की होती है, एक है केंद्रीय उद्गार
केंद्रीय उद्गार और दूसरी जो हमारी है इसका नाम है दरारी उद्गार। दरारी उद्गार, केंद्रीय उद्गार, देखिए जो हमारी ये जो ज्वालामुखी है इसका जो उद्गार होगा वो एक हम कह सकते हैं पृथ्वी में छेद होगा और छेद होने के बाद यहाँ से इसका उद्गार होगा। तो ये जो उद्गार होता है, ये जो होगा ये उद्गार, ये क्या होता है, केंद्रीय उद्गार होगा। केंद्रीय उद्गार हो गया। केंद्रीय उद्गार माने पृथ्वी के किसी केंद्र से अगर ज्वालामुखी पदार्थ बाहर आ रहे हैं तो वो हमारे केंद्रीय ज्वाला उद्गार हो गए। और अगर हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद में बार बार धक्के लगने के बाद में और उसमें दरार आ जाती है, या तो ज्वालामुखी का जो शंकु होता है उसमें दरार आ जाती है, या फिर हम बात करें कि धरातल में कहीं दरार आ जाती है और उसमें जो ज्वालामुखी का जो पदार्थ होता है वो बहुत ही पतला होता है और बहुत ही कम गति का होता है और बड़ी धीमी गति से बाहर निकलता है, तो दरारी उद्गार धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है। तो ये दरारी उद्गार हो गया। तो केंद्रीय उद्गार के उदाहरण जो है, केंद्रीय उद्गार के उदाहरण में ज्वालामुखी के प्रकार में एक आता है जैसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी, उसके बाद आता है स्ट्रांबोली तुल्य ज्वालामुखी, उसके बाद आता है विसुवीस तुल्य ज्वालामुखी, आगे आता है पिलियन तुल्य, ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, उसके बाद आता है एक आता है वल्कन तुल्य, ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी के प्रकार है। ये सारी की सारी जो पांचों ज्वालामुखी है ये केंद्रीय उद्गार की ज्वालामुखी है। कल अपने इस पे बड़े डिटेल से मैंने एक एक ज्वालामुखी को लेके और उसके ऊपर अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज हमने ज्वालामुखी के भाग पढ़ लिए कि ज्वालामुखी के कौन कौन से भाग होते हैं, ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वो कितने प्रकार का होता है, सक्रियता के आधार पर हमें कौन कौन सी ज्वालामुखी को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर हमने केंद्रीय ज्वालामुखी और दरारी ज्वालामुखी के पढ़ा है। तो केंद्रीय ज्वालामुखी के पाँच प्रकार है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रांबोली तुल्य ज्वालामुखी, विसुवीस तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी और वल्कनीय तुल्य ज्वालामुखी। कल हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, डिटेल करेंगे कि हवाई तुल्य ज्वालामुखी कौन सी है, क्या विशेषता है, कहाँ पे पैदा होती है, तो इसके बारे में सभी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।